सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन पर टैप कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक और आसान सी रेसिपी जिसका नाम है ड्राई चिली चिकन। जी हाँ, आपने रेस्टोरेंट में चिली चिकन तो खाया होगा। चिली चिकन दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेवी वाला होता है और एक ड्राई होता है। तो आज मैं ड्राई वाला बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मुझे सामान चाहिए, ये दो स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप इसका मैरिनेशन करने का और चिकन को फ्राई करने का होता है, दूसरा इसकी ग्रेवी का होता है। तो पहले स्टेप के लिए हमें चाहिए इसे चिकन को मैरिनेट करने के लिए सामान। सबसे पहले मैंने लिया है ये चिकन, ये बोनलेस चिकन है, इसमें कहीं भी हड्डी नहीं है और आप देख सकते हैं इसे मैंने इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप चाहें तो इसे कटवा लें या फिर खुद काट लें घर पर लाकर। और इसे मैंने धोकर सुखा लिया था, इसमें पानी नहीं है। साथ में हम लेंगे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 अंडा, नमक हसबे ज़रूरत और सिरका। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा सिरका है, साथ ही में जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे लेवल्ड 1 टेबल स्पून मैदा और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे लेवल्ड 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1, 2, 3 और ये हो गया है 4, ये देखिए। और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा अंडा है, ये देखिए हमने इसमें अंडा ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हम इसे मिक्स करने के लिए अपना हाथ यूज करेंगे और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तब तक मैं आपको इसकी ग्रेवी का सामान दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमें चिली चिकन की सॉस बनाने के लिए सामान चाहिए, 2 प्याज जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, आप देख सकते हैं, 1 शिमला मिर्च बड़ी जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है, सिरका चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून फुल भर के टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस चाहिए 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, बारीक कटा हुआ लहसुन चाहिए हमें 2 कलियाँ, रेड चिली सॉस चाहिए हमें 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, मक्खन चाहिए हमें थोड़ा सा लगभग 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी हमें चाहिए सोया सॉस। अब मैं आपको चिकन फ्राई करके दिखाऊंगी। एक तरफ हमने अपना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन एक एक पीस अलग अलग करके फ्राई करेंगे। आपको एक साथ नहीं डालना है सारा, ये नहीं तो ये आपस में चिपक जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें सारे पीस ऐड कर दिए हैं और अब हम इन्हें लाइट ब्राउन होने तक इसमें फ्राई कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल हम इसे लाइट ब्राउन कर लेते हैं। हमने नीचे अपनी फ्लेम को फुल किया हुआ है, फुल फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे लगभग 12 मिनट तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे पलट लिया है और हम इसे पलटते हुए पकाएंगे। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, हमने इसे 5 या 6 मिनट और इसी तरह से पकाना है, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट हमें इसे फ्राई करते हुए हो गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ आकर हम इसे निकाल लेंगे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर रखकर उस पर निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले और इसी तरह से हम अपने सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना सारा चिकन फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको इसकी सॉस तैयार करके दिखाऊँगी। सॉस बनाने के लिए हमने एक तरफ एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया था, यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मक्खन है, इसे हम इसमें मेल्ट कर लेंगे और अब हम इसी में ऐड करेंगे जो हमारा बारीक कटा हुआ लहसुन है, इसे हम इसमें थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी प्याज है क्यूब्स में कटी हुई और इस प्याज को हम 5 से 6 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक इसमें पका लेंगे चलाते हुए इस तरह, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को हमने पका लिया है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हमने 2 हरी मिर्च को इस तरह से लंबा लंबा बारीक काट लिया है, मैं आपको इसे दिखाना भूल गई थी, अब दिखा रही हूँ। अब इसके साथ भी हम इसे लगभग 2 मिनट पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ हमने इसे 2 मिनट पका लिया है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे
जो हमारी शिमला मिर्च है। अब इसके साथ भी हम इसे लगभग 2 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ भी 2 मिनट पका लिया है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट था, इसे इसमें मिलाएंगे अच्छी तरह से। यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा नमक है, काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। इसे मिक्स करेंगे, नीचे फ्लेम को आपको फुल रखना है। फ्लेम फुल रखने से जो इसकी सब्जियां हैं उसका क्रंचीनेस नहीं ख़त्म होगा, आपको इसे फुल फ्लेम पर ही पकाना है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा टोमेटो केचप है। यहाँ आकर आप अपनी फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें। ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, और अब हम इसे एक लीड से ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 2 मिनट तक पका लिया है। यहाँ पर हम इसे एक बार और सोटे करेंगे। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा विनेगर है। आपके पास अगर विनेगर यानी कि वाइट सिरका, सफ़ेद सिरका ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा फ्राई किया हुआ चिकन है। ये देखिए, हमने अपना सारा चिकन फ्राई कर लिया था, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये फ्राई किया हुआ चिकन ऐसे भी अगर आप खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। इसे हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें पानी नहीं मिलाना क्योंकि ये ड्राई चिली चिकन है, इसलिए इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे। इसे इसी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसे ढककर लगभग 2 मिनट के लिए पका लेंगे, इसे बिल्कुल ड्राई होने तक। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 2 मिनट तक ढक के पका लिया था, अब सोटे भी कर लिया है। यहाँ आकर हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे। ये रेडी हो चुका है, अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टी चिली चिकन ड्राई बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी हुआ है खाने में, आप इसे ट्राई कीजिए। मैंने इसे थोड़े से सफ़ेद तिल के साथ गार्निश किया है, आप भी इसे गार्निश कीजिए, बनाइए अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक अच्छी सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।